तो दोस्तों, हरे प्याज की सब्जी बनाने के लिए ये है हमारा हरा प्याज। तो जिसको हम ये जो नीचे वाला पार्ट है, वाइट वाला पार्ट है, इसको हम हटा देंगे और ग्रीन वाला पार्ट जो है इसको हम अलग कर लेंगे, दोनों को अलग अलग कर लेंगे। और उसके बाद जो ग्रीन वाला पार्ट है इसको हम अच्छे से साफ़ करेंगे, धुलेंगे, वॉश करेंगे और उसके बाद हम बारीक बारीक इसको काट लेंगे। तो ये है, ये हमने इसको अच्छे से पहले धुला और फिर इसको हमने बारीक बारीक कट कर लिया है। इसका जो वाइट वाला जो पार्ट था उसको हमने अलग कर दिया है, हमने केवल ग्रीन वाला पार्ट यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो वाइट वाला पार्ट भी यूज़ कर सकती हैं, तो उसको आपको अलग अलग कट करना पड़ेगा। उसको मैं अगली बार जब रेसिपी बनाऊंगी, इसकी सब्जी जब अगली बार बनाऊंगी, तब आपको उस तरह से शेयर करूंगी बना के। और आज मैं जो है केवल ग्रीन पार्ट की सब्जी बना रही हूँ, केवल ग्रीन ग्रीन पार्ट यूज कर रही हूँ। और ये है हमारी 6 से 7 कली लहसुन की, जिनको हमने बारीक कट कर लिया है। ये है अदरक का टुकड़ा जिसको हमने क्रश कर लिया है। और ये है 5 से 6 हरी मिर्च जिनको हमने बारीक चॉप कर लिया है। और ये है आलू, 4 मीडियम साइज के आलू थे, उनको हमने कट कर लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो हमने गैस को ऑन कर दिया है और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। आप ऑयल अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी यूज़ कर सकती हैं। अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल सकती हैं, और इससे और ज़्यादा कम पसंद है तो आप कम भी यूज़ कर सकती हैं। तो ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो हमने यहाँ पे डाले हैं थोड़े से मेथी के दाने और मेथी दाना हमारा जो है भुन गया है। उसके बाद हमने डाला आधा चम्मच जीरा, उसके बाद डालेंगे लहसुन, अदरक भी ऐड कर देंगे। जब हमारी लहसुन अदरक अच्छी तरह से भुन गया है, तो उसके बाद हमने जो आलू हमने साफ़ करके धुल के अच्छी तरह से कट करके रखे हुए थे, उनको हमने ऐड किया है। लेकिन हमें ना आलू ऐड करते समय क्या है कि लिड थोड़ा सा अपनी साइड में लगा लेना चाहिए, क्योंकि धुले हुए आलू थे तो आलू में थोड़ा सा पानी था। तो जो आलू को जैसे ही हम ऑयल में डालेंगे, वैसे ही छींटे आ सकते हैं हमारे ऊपर और हमें जलने के चांस हो सकते हैं। तो इस वजह से हमें लिड को थोड़ा सा लगा लेना चाहिए अपनी साइड में, ताकि हम सुरक्षित रहें, जले नहीं। और आलू को थोड़ा सा हमने फ्राई किया है, उसके बाद हमने हरी मिर्च को भी ऐड कर दिया और हमने यहाँ पे मसाले ऐड कर दिए, जैसे हल्दी है और धनिया पाउडर है। और हमने मिर्च की जगह, लाल मिर्च की जगह हमने कश्मीरी मिर्च का यूज़ किया है, क्योंकि हमने हरी मिर्च काफ़ी यूज़ की हुई है, तो कश्मीरी मिर्च को यूज़ करने से कलर भी आ जाएगा। और अगर हम कश्मीरी मिर्च की जगह जो हमारी नॉर्मल मिर्च होती है, लाल मिर्च, अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो उसको थोड़ा कम यूज़ करें, नहीं तो हमारी सब्ज़ी जो है बहुत ज़्यादा तीखी हो जाएगी। उसके बाद हमने 1 मीडियम साइज़ का टमाटर ऐड कर दिया था और अच्छे से सभी को मिक्स कर दिया। और उसके बाद हमने यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दिया है, ताकि टमाटर जो है हमारा वो सॉफ्ट हो जाए। और आलू, और हम लिड से ढक देंगे नमक ऐड करने के बाद। और 2 मिनट के बाद हमने उसको खोला है और चला दिया है। और जो हमने हरा पार्ट जो था प्याज वाला, ग्रीन पार्ट जो था उसका, हमने उसको भी हमने ऐड कर दिया है। और सभी को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद हम ढक देंगे लिड से और 4-5 मिनट हम ऐसे ही ढका रहने देंगे। और फिर से हम खोल के एक बार बीच में चला देंगे इसको, देख लेंगे कि हमारे आलू जो हैं वो अच्छे से पके हैं या नहीं पके हैं। तो ये देखिए, आलू हमारे पक चुके हैं, लगभग हल्के से टाइट हैं। तो मैं इसी टाइम यहाँ पे गरम मसाला ऐड कर दूँगी। और आलू हमारे पक चुके हैं और गरम मसाला ऐड करने के बाद मैंने लिड से ढक दिया है और मैंने गैस को बंद कर दिया था। और थोड़ी सी देर के बाद, जब हमारी सब्ज़ी थोड़ा सा नॉर्मल हो गई है, उसके बाद हमने एक सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया। हमारी सब्जी सर्व करने के लिए रेडी है, बहुत ही टेस्टी सी। आप लोग एक बार बना के ज़रूर देखिएगा और कैसी बनी थी ये फिर मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।
सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।